तो कैसे आप लोग लोग फैमिली, हम लोग अभी डिगुली पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं झूला पुल की तरफ पे। और कल मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया क्योंकि मैं किसी काम से जा गया था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। तो आज अब से मैंने टाइमिंग भी बना लिया है कि मैं सुबह करूँगा ब्लॉग। और देखिए हमारे भाई लोग भी पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो चल इन लोगों को, हम अभी कॉर्बेट घुमा रहे थे, अपने भाई लोग हैं और हमें मिला है, नहीं घुमा कॉर्बेट है, हमें मिला है हाथी। वाओ, तो आप लोग यहाँ पर इस जगह का नाम बोलते हैं हम डिगुली, और यहाँ पे कैमल राइड और एलिफेंट राइड होती है। पहले काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट हुआ करते थे लेकिन अब इन्होंने हटा दिया है कॉर्बेट में, मतलब वापस चले गए वो, कुछ उनके रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। तो अब हम जा रहे हैं झूला पुल की तरफ को, मिलते हैं आपसे आगे। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं झूला पुल, अब आपको दिखाते हैं पुल। लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वो झूला पुल। तो शुभम चल रहे हैं, काफ़ी प्यारा। हाँ, काफ़ी लोग गर्मियों में नहाने भी आते हैं इधर। ये है वो पुल और आप लोग व्यू देख सकते हैं। और ये जो नीचे रिवर है इसको कोसी रिवर बोला जाता है। और ये देखिए, देखिए यहाँ पर पुल के पास एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है, क्योंकि पुल की प्रोटेक्शन वगैरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ को। और ये है वो झूला पुल जो मैंने आप लोगों को बताया था। और कितनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। भाई को फोटो खिंचाने का इतना शौक है, फोटोग्राफर मोहित के साथ शुभम अभी अपनी फोटो खिंचवा रहा है। और हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, ये जो जंगल है के साथ। हम आगे की तरफ जा रहे थे जंगल की तरफ, और ये जो रोड है ये गर्जिया के लिए भी जाता है, ये जंगल का रास्ता है। वैसे मेन रोड हमारी उस तरफ से है, पैदल पैदल बाय वॉकिंग जा सकते हैं गर्जिया मंदिर तक। गर्जिया मंदिर का भी व्लॉग आएगा आपके पास कुछ टाइम बाद, अभी फ़िलहाल मैं गया नहीं हूँ, तो वहाँ भी जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मोहित और शुभम, दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं। आगे को थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी मिलते हैं आप लोग। मोहित का फोटो सेशन चल रहा है वहाँ, आ रहे हैं आराम आराम से, मैं तब तक आगे की तरफ चल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बहुत प्यारी लोकेशन है जो झूला पुल है रामनगर की, कॉर्बेट नेशनल पार्क की। और हम लोग अभी जो जिस रोड में हैं, जो फॉरेस्ट वाला, मतलब ये जंगल का रास्ता है। वैसे नॉर्मली लोग पैदल जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जंगल लकड़ी वगैरह और अपना सामान वगैरह लेने के लिए जाते रहते हैं इधर से दूसरी तरफ। और अगर मंदिर जाना होगा किसी लोकलाइट ने तो वो भी जा सकता है यहाँ से। देखिए थोड़ा सा आगे हम वॉक करने के बाद पहुँचते हैं गर्जिया मंदिर की तरफ। अभी गर्जिया मंदिर यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है। ये हम लोग पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पर जहाँ से गर्जिया मंदिर हमें क्लियरली दिखता है। रोड भी हम जा सकते हैं, रोड से भी रास्ता है जाने के लिए, लेकिन ये बाय वॉक है झूला पुल से। मतलब अराउंड 1.5 to 2 किलोमीटर्स का ट्रैक होगा। हाँ, ट्रैक भी नहीं है, नॉर्मल ट्रैक। ये है कोसी रिवर और ये है गर्जिया टेंपल, गर्जिया माता का मंदिर। इस रास्ते से आगे को हम जाते हैं तो हम जो ये वाली पहाड़ी है इसमें जो टेम्पल्स बने हुए हैं, शिव जी का मंदिर है और भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पहुँचते हैं। व्लॉग आप लोगों के पास जल्दी आएगा। मैं जाने वाला हूँ इस लोकेशन में क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से हम लोग घूमा करते थे। और देखिए काफ़ी सारे लोग घूमने भी आते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। इस तरफ लोग अपना शाम को थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए आते रहते हैं। और हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, इसी लोकेशन में मैं आना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल लोकेशन है, बहुत पीस मिलता है अंदर यहाँ पहुँचते ही। फ्रेंड लोग भी आ चुके हैं, मोहित और शुभम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं इन लोगों के पास और इन लोगों से पूछते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है। शुभम और मोहित भी पहुँच चुके हैं हमारे साथ, तो कैसा लग रहा है आपको इस लोकेशन में आने के बाद? ये तो मोहित भी जी से पूछिए। तो बताइए मोहित आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा पास आके बोलिए, हमारे पास माइक नहीं, हम सस्ते ब्लॉगर हैं।
भाई गड़िया मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर आके अच्छा लगता है हमेशा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो हम लोग वापस पहुँच चुके हैं झूला बोल, हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ और शिवम चल रहा है आगे आगे और हमारे साथ है मोहित और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो मिलता है आगे रास्ते में और आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया बोल रहा है शिवम भी। और अभी हम थोड़ा लेट आए तो हम लोग ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाए और नेचुरली बहुत प्यारा व्यू है और देखिए यहाँ पे आपको किसी और दिन दिखाएंगे अच्छे से यहाँ का व्यू जिस दिन हम घर जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा हम शूट कर नहीं पाए आज क्योंकि थोड़ा लेट आए थे हम। तो हमारा प्लान ऐसे ही बना घूमने का, मोहित ने बोला कि घूमने चलते हैं कहीं, बोर हो रहा था वो, तो हम लोग आ गए इधर की तरफ। घर से भी लेट निकले थे और थोड़ा घर से थोड़ा दूर है ये लोकेशन तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमें और अंधेरा हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ घर, मैं जाता हूँ घर की तरफ और घर पहुँचने के बाद करता हूँ व्लॉग को एडिट, फिर करता हूँ अपलोड। और अब से व्लॉग का टाइमिंग होगा सुबह के 7 बजे।